राजस्व निरीक्षक संवर्ग के 9 सूत्रीय मांग को लेकर उत्तर प्रदेश राजस्व निरीक्षक संघ जिला इकाई के द्वारा अपर मुख्य सचिव व मुख्यमंत्री के नाम से संबोधित ज्ञापन एसडीएम सदर गौरव सिंह सगरवाल के माध्यम से प्रेषित किया गया। इस दौरान संघ के जिला अध्यक्ष वीर बहादुर, जिला मंत्री दिलीप कुमार, राजस्व निरीक्षक प्रधुमन सिंह सहित अन्य सदस्य मौजूद रहे। ज्ञापन के माध्यम से राजस्व निरीक्षक संघ ने वरिष्ठता सूची के आधार पर अभिलंब राजस्व निरीक्षक की पदोन्नति नायब तहसीलदार पद पर किए जाने, उत्तराधिकार व वरासत ऑनलाइन किए जाने में आ रही तकनीकी आर्थिक कठिनाइयों का निस्तारण करने के साथ 9 सूत्रीय समस्याओं के समाधान का मांग कर रहे थे। इस संबंध में गोरखपुन्नी से बात करते हुए राजस्व निरीक्षक संघ के जिला अध्यक्ष वीर बहादुर ने कहा, एक बार तुमने अंतिम सूची जारी करने के बाद फिर अनंतिम सूची जारी कर ऐसा अंतिम के बाद अंतिम तोड़ने की कोशिश की, अनंतिम पहले फिर अंतिम हुआ फिर अनंतिम हुआ, वो भी 12% ज़्यादा हो गया। अब उसका कारण था कि 257 लेखपालों के प्रमोशन में त्रुटियाँ जूनियर छूट गए, जूनियर को प्रमोशन कर दिया गया, जूनियर को प्रमोट कर दिया गया, फिर बाद में जब पता चला तो नेक्स्ट सेशन में उन्होंने 257 को भी प्रमोट किया। अब वरिष्ठ जूनियर स्थान को लेकर समस्या हुई कि उनको पिछले वही स्थान मौजूद नियुक्ति के हिसाब से पूर्व के स्थान में इनका होना चाहिए, यहाँ पर मौजूद नियुक्ति के हिसाब से वरिष्ठ स्थान होना चाहिए, वही लेकर के मामला बन गया। उसके बाद भी कि नियम मौलिक बहुत सारी है कि जरूरी है कि उनकी मौलिक नियुक्ति के हिसाब से तो उनका डायरेक्शन है कि या तो उसको रिवर्ट किया जाए, और रिवर्ट नहीं करते हैं तो बाद में जो प्रमोशन दिया जा रहा है दिया गया है जो संस्थाओं को उनके स्थान पर उसको रखें, और जो सीनियर छूट गए थे उनको पहले वाले के टेंड करें जिससे कि मौलिक नियुक्ति के हिसाब से उनको मिल सके। तो ऐसा भी हो सकता है, और जो 257 का मामला है सर वो सारे रिटायर हो चुके हैं या मृत हो चुके हैं, एक बचा है अब वो भी लिख के देने को तैयार है, उनको कहीं भी रख दीजिए वही घुमाते हैं। शासन को यदि अधिसंघ पद सृजन करने के लिए कि अधिसंघ पद सृजन कर दिया है शासन कहता है इसलिए किया सकता है। राजस्व निरीक्षक संवर्ग में बहुत सारी समस्याएं हैं, प्रदेश नेतृत्व के निर्देश के क्रम में आज सभी तहसीलों में प्रदेश की सभी तहसीलों में एक उप जिलाधिकारी महोदय को दिया गया, जो जिलाधिकारी महोदय के ज्ञापन से उनके स्तर में माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रमुख सचिव को भेजा गया है, और अन्य राजस्व परिषद के चेयरमैन साहब को भी, प्रमुख सचिव राजस्व परिषद को भी, प्रमुख सचिव शासन को भी भेजा गया है। उसमें हमारी समस्याएं बहुत सारी हैं, सबसे बड़ी समस्या हम लोगों के प्रमोशन की है जो पिछले 3 साल से लंबित है। प्रमोशन में अंतिम सूची जारी होने के बाद फिर अनंतिम सूची जारी कर दी गई, और जो ऐसे ही विधि विरुद्ध है, अंतिम सूची के बाद अनंतिम का कोई मतलब नहीं होता है, लेकिन वो भी लगभग 2 साल हो गए और अभी तक अंतिम सूची जारी नहीं की गई। अंतिम सूची जारी होते ही प्रमोशन होता हम लोगों का, चूँकि बहुत सारे पद रिक्त हैं, प्रमोशन के लगभग सभी पद रिक्त हैं और अभी तक प्रमोशन नहीं हुआ। 3 साल से हम लोग बाट जो रहे हैं कि प्रमोशन होगा, जिससे हम लोगों का बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है कि जो हम नए नए बैच आते जा रहे हैं और हम लोग कनिष्ठ होते जा रहे हैं, सबसे बड़ी समस्या हमारी ये है। दूसरी समस्या एक आम जनता के लिए उत्तराधिकार वरासत करने का अधिकार जो हम लोगों का है, सबसे पहले हम लोग हार्ड कॉपी ऑफलाइन करते थे, आता था लिख के तुरंत हम लोग जाँच करते थे आदेश कर देते थे, अब ऑनलाइन कर दिया गया है। ऑनलाइन में बहुत सारी समस्याएं हैं, समस्याएं सबसे बड़ी है कि नेट बराबर नहीं चलता है, हमें मोबाइल से करना है, हमारे पास हमको संसाधन सरकार ने कुछ नहीं दिया है, नहीं लैपटॉप दिया है, न रिचार्ज की सुविधा दिया है, हम अपने मोबाइल से करते हैं, वो भी नेट हमेशा चलता नहीं है। आज जो वरासत 10 वरासत हम 10 मिनट में 20 मिनट में कर देते थे, आज 10 वरासत करने के लिए हमें घंटों बैठना पड़ता है, नहीं होता फिर दोबारा बैठना पड़ता है। जनता बार बार जो है हम लोगों से कहती है कि साहब हुआ नहीं, अभी वरासत हुआ नहीं हमारा, तो काम लिंगर होता है। एक तो हम लोगों के लिए ये थोड़ा अच्छा भी नहीं लगता है कि काम लिंगर हो रहा है जो हम आसानी से कर सकते हैं, दूसरे हमारे आर्थिक क्षति भी है, आर्थिक क्षति भी है, उसे प्रिंट निकलवाना टाइप फिर उसमें आदेश कराना, कई तरह की समस्याएं हैं। हमारे लिए कोई उसके लिए संसाधन दिया नहीं है, कोई संसाधन नहीं दिया गया, काम ऑनलाइन नहीं ट्रेनिंग दी गई नहीं कोई संसाधन दिया गया हम लोगों को, और काम भी लिंगर हो रहा है। तो उसमें सुधार करने के लिए और उसमें जो करने के लिए एक निवेदन किया गया है हमारे प्रदेश में, हम लोगों का ग्रेड पे वास्तव में
बहुत ही कम है, इसलिए कम है कि डायरेक्ट भर्ती पहले होती नहीं, हुई नहीं थी बहुत सालों तक, और प्रमोशन से जो लोग आते थे ऑलरेडी उनका ग्रेड पे उच्च होता था। तो ये हमारे पद के जो भी इंस्पेक्टर हैं किसी विभाग में 4200 से 4600 ग्रेड पे में हैं, और हम लोगों को 2800 ग्रेड पे दिया है। एकमात्र इंस्पेक्टर रैंक में यही पद है जहाँ मात्र 2800 ग्रेड पे है। उसका कारण रहा है कि डायरेक्ट हुआ नहीं, और जो प्रमोशन से आए वो ऑलरेडी ज़्यादा होते थे तो कोई डिमांड नहीं थी। लेकिन हम लोग साढ़े चार साल से लगातार ये सब मांग कर रहे हैं, लेकिन उस पर कोई सुनवाई नहीं है। हम लोग स्टेशनरी भत्ता कुछ नहीं है, मात्र 6 रुपये हमको स्टेशनरी मिलता है महीने का, और 50 रुपये यात्रा भत्ता मिलता है। आपको पता है कि हम लोग फील्ड की नौकरी है, हम लोग कम से कम 2500 से 3000 रुपये हमारा पेट्रोल का खर्चा होता है, और हमको मिलता है 50 रुपये पूरे महीने का। 6 रुपये स्टेशनरी मिलता है, कम से कम 2000 रुपये हमारा स्टेशनरी में खर्च होता है पर मंथ काम में। हम लोग अपने वेतन, एक तो वेतन अल्प वेतन है, ऊपर से इसमें हमारे वेतन का बहुत सारा हिस्सा सरकारी कार्य में खर्च हो जाता है, जिससे हमारे संवर्ग के सभी साथियों को बहुत सारी समस्याएं होती हैं। क्या रणनीति आ गया? रणनीति हमारी है कि आज हमने ज्ञापन दिया है, और इसके बाद से 26 तारीख को हमारा डेट है कि जिला माननीय जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी के पास पुनः हम लोग ज्ञापन देंगे। उसके बाद भी यदि हमारी सुनवाई नहीं होती है तो प्रदेश स्तर पर बैठक करके आंदोलनात्मक रणनीति तैयार की जाएगी, और हम लोग आंदोलन करेंगे, अनवरत आंदोलन करेंगे जब तक हमारा काम, हमारी मांगें नहीं पूरी की जाती हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में ये बात आए और न्याय रहे हम लोगों को, जिससे हमें आंदोलनात्मक रवैया न अपनाना पड़े।